हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया। फिर से एक वीडियो लेकर गया हूँ आप लोगों के लिए द सिंघानिया ग्रुप्स में। जैसा कि ये मेरा चैनल है उसका मैंने लोगो लगाया हुआ फर्स्ट पेज पे। इसमें आप जो लोग भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी अपडेट्स हैं मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट से लेकर के जितने भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उन सारे सबके रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, प्लस मेरी टीम भी अपलोड करती रहती है। तो उसके साथ आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और नई नई एजुकेशन अपनी पूरी तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं लेकर गया हूँ कि SBI जनरल इंश्योरेंस में मैंने पिछले कुछ समय में लगभग दो हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियोस मैंने बनाए थे। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था। इस वीडियो में केवल और केवल ना तो किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, SBI जनरल इंश्योरेंस क्या वर्क कर रही है और SBI जनरल इंश्योरेंस कितना किन किन सेगमेंट्स में वर्क कर रही है, बस ये ब्रीफ में मैं बताने जा रहा हूँ। SBI के रिलेटेड कितने किसी भी प्रोजेक्ट का अगर आपको नॉलेज लेनी है या किसी भी प्रोजेक्ट को आपको बाई करना है तो आप बेसिकली बिना किसी झिझक के आप हमारे जो नीचे मैंने जो आपको नीचे लिंक है उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लस आप हमसे डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि जो भी SBI जनरल इंश्योरेंस में आपके अवेलेबल प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस, जैसा कि आपको पता है कि जनरल इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है, लाइफ के अलावा जितने भी आपके कवरेज होते हैं वो सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। तो आपको पता होगा मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, इतने इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस करती है। तो आपके मोटर इंश्योरेंस में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करती है, प्लस आपके कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी करती है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं कि जिससे आपको नॉलेज रहे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कवरेज है, अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है एक्सीडेंट और क्या क्या क्लेम में आता है, कितने अमाउंट तक क्लेम मिल सकता है, ये सारी चीज़ आपको पता है। हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मैंने ऑब्वियसली दो वीडियोज़ बनाए हैं, यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा जो कि 9682468888 है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, और सारे प्रोजेक्ट हम कौन कौन से डील करते हैं वो सारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शंस भी आपको इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो हम मोटर इंश्योरेंस के साथ हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आपके कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। प्लस होम इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस में भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा, अभी मैंने इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो हम आते हैं कि बेसिकली मेरा मोटो ये था कि SBI जनरल इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुई, SBI जनरल इंश्योरेंस क्या किसके साथ ज्वाइंट वेंचर में और क्या क्या बिजनेस करती है। तो बेसिकली SBI जनरल इंश्योरेंस का ऑस्ट्रेलिया इंश्योरेंस ग्रुप के साथ टाइप है जिसमें इसका 70% स्टेक है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस का बेसिकली पर्पज है, SBI का नाम तो सभी ने सुना होगा, SBI बैंक है। SBI बैंक का एक जनरल इंश्योरेंस का चैनल है SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस का जो मैक्सिमम ज्वाइंट वेंचर है वो 70% का, वो आपका 2010 में आपका ज्वाइंट वेंचर हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंश्योरेंस ग्रुप के साथ, जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अपना बिजनेस न्यूजीलैंड में भी करती है, न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में करती है, प्लस कुछ एशिया के कंट्रीज में भी करती है। तो उसने उसी का टाइप आपका जो ज्वाइंट वेंचर है वो आपका SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस उसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में होकर के आपको जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। SBI जनरल इंश्योरेंस के आज सबसे ज़्यादा नेटवर्क हैं, तो आपको SBI बैंक के थ्रू होने की वजह से ही SBI जनरल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इसके बहुत सारे नेटवर्क हैं। अब हम आते हैं कि SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में मैंने जो बताया है उसके बारे में आपका यहाँ पता चलेगा। IAG ग्रुप है आपका इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है, जिसमें 70% हिस्सा आपका SBI जनरल इंश्योरेंस के पास है। इनका विजन, मिशन और वैल्यूज क्या क्या है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देख के क्लियर हो जाएगी SBI जनरल इंश्योरेंस की। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो मैंने पहले ही बता दिया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में ये डील करती हैं। अब हम आते हैं कि SBI जनरल इंश्योरेंस का अगर हम कभी प्रोजेक्ट लेना चाहें तो हमें क्यों SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट लेना चाहिए। एक तो इनके पास कस्टमर बेस बहुत हाई है, इनके पास 68 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स हैं इस समय। SBI का नेटवर्क सबसे बड़ा है, 24,000 प्लस इनकी ब्रांचेज हैं। आपको अगर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के कोई भी क्वेरीज है, इनके पास सबसे ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हैं जो कि 6,000 प्लस हैं। प्लस इन्होंने जो पिछला जो इनका आंकड़ा है, जो इन्होंने क्लेम हैंडल किए हैं अब तक 110, मतलब कि 110 बिलियन इन्होंने क्लेम सेटल किए हैं अब तक में, और 114 लोकेशंस पर इंडिया के इनके ब्रांच ऑफिसेज हैं, प्लस इनका सैटेलाइट जो प्रेजेंटेशन है वो 350 प्लस लोकेशंस पे है। और एक होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो कि ICRA और
जो कि ICR है उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आती है, जिन्होंने इनकी क्रेडिट रेटिंग IAAA दी हुई है, जो कि एक हाईएस्ट क्लेम पेइंग एबिलिटी है। मतलब कि अगर बाय चांस कभी कंपनी के साथ कुछ दिक्कत हो जाती है या कोई अगर वेव ऑफ नहीं कर पाती है या उसे उसके पास फंड की दिक्कत आती है और फ्यूचर में, तब भी इनके पास इतनी लिक्विडिटी मेंटेन है कि जो ये क्लेम ले रहे हैं उसे इजीली वे में उसे आराम से सेटल कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं कि आज समय आपको सबको पता होगा कि इस समय कोविड-19 पूरी इंडिया में भी फैल रहा है, जो कि पूरे कंट्रीज में फैल चुका है। तो सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि कोविड-19 को क्या हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। यस, SBI जनरल इंश्योरेंस के और अदर इंश्योरेंस भी जो भी कंपनीज है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो भी कोविड-19 को ठीक उसी तरीके से कवर करेंगे जैसे वो मलेरिया डेंगू इन सब चीज़ों को करती हैं। ठीक है, और ये आपका ब्लॉग्स हैं और लेटेस्ट न्यूज हैं जो SBI जनरल इंश्योरेंस के लिए जो दिए गए हैं पिछले कुछ डेटेस पिछले डेट्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बहुत ही अच्छी लीडिंग कंपनी है और इसने कितनी अपनी ब्रांडिंग की हुई है और कहाँ कहाँ पे मतलब इसके बारे में आपको पढ़ने को मिला है। पेपर कटिंग्स है प्लस उसके साथ इसके फैक्ट्स हैं जो कोविड-19 के, वो सारी चीज़ें आपको ब्रोशर्स में मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके मैनेजमेंट टीम, ये सारे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट टीम हैं जिनके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप उनको देख सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं SBI जनरल के, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को पॉज करके इन सब का नाम पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं SBI जनरल के बारे में मुझे जो बताना था, SBI जनरल इंश्योरेंस का बेसिकली किसी चीज़ों में वर्क करती है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से यही आपको समझाया कि SBI जनरल इंश्योरेंस अगर हमें सेलेक्ट करना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो हम क्यों SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। द सिंघानिया ग्रुप्स में आपका हमेशा वेलकम है, इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।